सुप्रभात बच्चों, एक बार फिर पुनः आपके समक्ष पाठ 17 सांस सांस में बास। हमारे जीवन में पेड़ पौधों की अहम भूमिका है। पेड़ पौधे हमारे संस्कार से लेकर संस्कृति तक में शामिल है। कोई पेड़ पौधा औषधीय गुण रखता है तो कोई आध्यात्मिक महत्व। वास्तुशास्त्र में भी पेड़ पौधों का खूब महत्व है। मनुष्य सृष्टि से के आरंभ से ही वनस्पति जगत से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक कि कई पेड़ पौधों को हम पूजते भी हैं। वास्तु में भी पेड़ पौधों का बहुत महत्व है। कई वृक्ष ऐसे हैं जो दिशा विशेष में स्थित होने पर शुभ अथवा अशुभ फल देते हैं। पीपल, आपको मालूम ही है, पीपल का बहुत औषधीय एवं आध्यात्मिक महत्व दोनों है। तुलसी का पौधा हमारे घर में आसपास लगाने पर वातावरण कीटाणु रहित हो जाता है। इसी प्रकार बांस का पेड़। आज का पाठ जो है सांस सांस में बांस, उसमें बांस का जो वृक्ष होता है, बांस का जो पेड़ होता है, उस पेड़ का महत्व बताया गया है। भारत और चीन में बांस के पौधे का उतना ही महत्व है जितना पीपल के पेड़ का। बांस का पेड़, आपको बता दूं बच्चों, तड़ित विद्युत यंत्र का भी काम करता है। जहाँ जहाँ ये बांस के पेड़ लगे होते हैं वहाँ आकाशीय बिजली गिरने की संभावनाएं कम हो जाती है। थोड़ा सा प्रारंभिक परिचय था बांस के पेड़ का। चलिए हम लोग पाठ पढ़ते हैं, सांस सांस में बांस, पाठ 17। एक जादूगर थे चंग की चंगलनबा। अपने जीवन में उन्होंने कई बड़े बड़े कर्तव्य दिखलाए। जब मरने को हुए तो लोगों से बोले, मुझे दफनाए जाने के 6 दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। क्या कहा उस जादूगर ने दफनाते समय, कि मुझे दफनाए जाने के 6 दिन मेरी कब्र खोद कर देखोगे तो कुछ नया सा पाओगे। कहा जाता है कि मौत के 6 दिन उनकी कब्र खोदी गई और उसमें से निकले बांस की टोकरियों के कई सारे डिज़ाइन। लोगों ने उन्हें देखा, पहले उनकी नकल की और फिर नए डिजाइन भी बनाए। बांस भारत के विभिन्न हिस्सों में बहुतायत में होता है। बहुतायत मतलब बहुत बड़ी मात्रा में बांस का वृक्ष लगाए जाते हैं। भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों के 7 राज्यों में बांस बहुत उगता है, इसलिए वहाँ बांस की चीजें बनाने का चलन भी खूब है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र मतलब सेवन सिस्टर्स प्रदेश, जिसमें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, सिक्किम, ये सारे प्रदेश आते हैं। वहाँ पर बांस बहुत अधिक मात्रा में लगाया जाता है, इसीलिए वहाँ बांस की चीज़ें बनाने का चलन भी खूब है। सभी समुदायों के भरण पोषण में इसका बहुत बड़ा हाथ है। यहाँ हम खास तौर पर देश के उत्तरी पूर्वी राज्य नागालैंड की बात करेंगे। नागालैंड के निवासियों में बांस की चीज़ें बनाने का खूब प्रचलन है। इंसान ने जब हाथ से कलात्मक चीज़ें बनानी शुरू की, बांस की चीज़ें तभी से बन रही हैं। आवश्यकता के अनुसार इनमें बदलाव हुए हैं और अब भी हो रहे हैं। छात्रों, यहाँ पर मैं आपको बता दूँ, गरोठ के अंदर भी बांस से बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ और आवश्यकता के सामान बनाने वाले लोग आज भी मौजूद हैं। यदि आप हॉस्पिटल चौराहे पर जाएंगे तो वहाँ पर कोने पर 2 झोपड़ियाँ बनी हैं। उस हॉस्पिटल चौराहे की कोने की झोपड़ियों में जो लोग रहते हैं वो बांस की कीपचियों से बांस को तोड़कर, उसको छीलकर, उससे बहुत अच्छी अच्छी कलाकृतियाँ और आवश्यकता के सामान जैसे टोकनी, बाल्टी, झाड़ू, ये सारी सभी चीज़ें बनाते हुए आपको वहाँ पर मिलेंगे। चलिए, यहाँ पर पहला प्रश्न समाप्त होता है, दूसरे प्रश्न की ओर आते हैं। प्रश्न दूसरा, कहते हैं कि बांस की बुनाई का रिश्ता उस दौर से है जब इंसान भोजन इकट्ठा करता था। शायद भोजन इकट्ठा करने के लिए ही उसने ऐसी डलिया नुमा चीज़ें बनाई होगी। क्या पता बया जैसी किसी चिड़िया के घोंसले से टोकरी के आकार और बनावट की तरकीब हाथ लगी हो। यहाँ पर लेखक ये बताना चाहते हैं कि जो चिड़िया होती है बया, उस बया ने अपने जो घोंसला बनाया, उस घोंसले से ही मनुष्य को शायद आइडिया मिला होगा या उसको उपाय मिला होगा टोकरी या डलिया नुमा चीज़ बनाने का।
आगे बढ़ते हैं। बांस से केवल टोकरियां ही नहीं बनती, बांस की खपच्चियों से ढेर सारी चीज़ें बनाई जाती हैं, जैसे तरह तरह की चटाइयाँ, टोपियाँ, टोकरियाँ, बर्तन, बैलगाड़ियाँ, फर्नीचर, सजावटी सामान, जाल, मकान, पुल और खिलौने भी। असम हमारे देश का एक प्रदेश है। असम में ऐसे ही एक जाल इकाई से मछली पकड़ते हैं। छोटी मछलियों को पकड़ने के लिए इसे पानी की सतह पर रखा जाता है या फिर धीरे धीरे चलाते हुए खींचा जाता है। बांस की खपच्चियों को इस तरह बांधा जाता है कि वे एक शंकु का आकार ले लें। इस शंकु का ऊपरी सिरा अंडाकार होता है, निचले नुकीले सिरे पर खपच्चियाँ एक दूसरे में गुथी हुई होती हैं। खपच्चियों से तरह तरह की टोपियाँ भी बनाई जाती हैं। असम के चाय बागानों के चित्रों में तुम्हें लोग ऐसी टोपियाँ पहने दिख जाएंगे, और हाँ, उनकी पीठ पर टंगी बांस की बड़ी सी टोकरी देखना न भूलना। यहाँ पर वो बताना चाहता है लेखक कि बांस से बहुत सारे उपयोग है। असम के अंदर बांस का एक जो जाल होता है जिसे जकाई कहते हैं, जो शंकु के आकार का होता है, शंकु मतलब शंख का आपने देखा होगा बच्चों, ऊपर का सिरा बड़ा होता है और नीचे का सिरा धीरे 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 पतला होता जाता है। उस शंकु जैसे सिरे जिसको जकाई कहते हैं, उसको लेकर पानी के सतह पर चलते हैं तो उसके बड़े मुंह में से मछली अंदर घुस जाती है, लेकिन उसका जो अंतिम सिरा होता है, अंतिम सिरा बड़ा पतला होता है, उसमें मछलियाँ बंद होकर रह जाती है और बाद में फिर किसान उन मछलियों को निकाल लेते हैं। खपच्चियों से, बांस की खपच्चियों से टोकरियाँ बनाई जाती हैं, टोपियाँ बनाई जाती हैं, और उन्होंने बताया है कि जो चाय की पत्ती तोड़ते हैं आसाम के अंदर, उनकी पीठ पर बांस की बंधी हुई टोकनी भी रहती है। उस टोकनी के अंदर वो पत्ते तोड़ते जाते हैं और टोकनी के अंदर पीछे रखते जाते हैं, और जो उनके सर पर टोपी होती है वो टोपी भी बांस से बनी हुई होती है। चलिए, यहाँ पर पृष्ठ दूसरा समाप्त होता है, पृष्ठ तीसरे पर आते हैं हम लोग। अगला पृष्ठ, जुलाई से अक्टूबर घनघोर बारिश के महीने, यानी लोगों के पास बहुत सारा खाली वक्त, या कहो आसपास के जंगलों से बांस इकट्ठा करने का सही वक्त। आमतौर पर वे 1 से 3 साल की उम्र वाले बांस काटते हैं। बूढ़े बांस सख्त होते हैं, मतलब जिन बांस के पौधों की उम्र ज़्यादा हो जाती है वो ज़्यादा कड़क हो जाते हैं और टूट भी तो जाते हैं। बांस से शाखाएं और पत्तियां अलग कर दी जाती हैं। इसके बाद ऐसे बांसों को चुना जाता है जिनमें गांठें दूर दूर होती है। दाव यानी चौड़े चांद जैसी फाल वाले चाकू से इन्हें छील कर खपच्चियाँ तैयार की जाती है, बड़ी बड़ी संटियाँ, किमचियाँ। खपच्चियों की लंबाई पहले से ही तय कर ली जाती है। मसलन आसन जैसी छोटी चीज़ें बनाने के लिए बांस को हर एक गठान से काटा जाता है, लेकिन टोकरी बनाने के लिए हो सकता है कि 2 या 3 या 4 गठानों वाली लंबी खपच्चियाँ काटी जाए। यानी कहाँ से काटा जाएगा यह टोकरी की लंबाई पर निर्भर करता है। आमतौर पर खपच्चियों की चौड़ाई 1 इंच से ज़्यादा नहीं होती। चौड़ी खपच्चियाँ किसी काम की नहीं होती। इन्हें चीरकर पतली खपच्चियाँ बनाई जाती है। पतली खपच्चियाँ लचीली होती हैं। खपच्चियाँ चीरना उस्तादी का काम है, मतलब एक्सपर्ट का काम है, जो इस काम में कुशल होते हैं उनका काम है। हाथों की कलाकारी के बिना खपच्चियों की मोटाई बराबर बनाए रखना आसान काम नहीं है। इस हुनर को पाने में काफ़ी समय लगता है। टोकरी बनाने से पहले खपच्चियों को चिकना बनाना बहुत ज़रूरी है। यहाँ फिर दाव काम आता है। दाव उस हथियार को कहते हैं जिससे बांस की पतली पतली खपच्चियाँ बनाई जाती हैं। खपच्ची बाएं हाथ में होती है और दाव दाएं हाथ में। दाव का धारदार सिरा खपच्ची को दबाए रखता है। यहाँ पर पृष्ठ समाप्त होता है। तीसरा, बच्चों अभी जनवरी का महीना चल रहा है और जनवरी के महीने में मकर संक्रांति के दिन हम लोग पतंग उड़ाते हैं।
आपने देखा होगा पतंग के अंदर भी बांस की बारीक बारीक खपच्चियाँ लगती हैं। उन खपच्चियों को एक जैसा काटना और उनके अंदर लचीलापन बनाए रखना ताकि पतंग का संतुलन समान रहे और वो ज़्यादा से ज़्यादा ऊंची आसमान में उड़ सके, इस हेतु बांस की खपच्चियों को बहुत बारीक छीला जाता है, एक समान छीला जाता है, उनमें कोई गठान नहीं छोड़ी जाती। आप पतंग की जो कांप होती है उन कांपों को ध्यान से देखिएगा, तब आपको इस पाठ का बांस सांस सांस में बांस इस पाठ का आपको स्मृति हो आएगी। चलिए यहाँ पर प्रश्न 3 समाप्त होता है, चौथा और अंतिम प्रश्न हम लोग पढ़ेंगे। चौथा और अंतिम प्रश्न, खपच्ची को दबाए रहता है जबकि तर्जनी दाव के एकदम नीचे होती है, इस स्थिति में बाएं हाथ से खपच्ची को बाहर की ओर खींचा जाता है, इस दौरान दायां अंगूठा दाव को अंदर की ओर दबाता है और दाव खपच्ची पर दबाव बनाते हुए घिसाई करता है, जब तक खपच्ची एकदम चिकनी नहीं हो जाती यह प्रक्रिया दोहराई जाती है। इसके बाद होती है खपच्चियों की लगाई, इसके लिए ज़्यादातर गुड़हल इमली की पत्तियों आदि का उपयोग किया जाता है। काले रंग के लिए उन्हें आम की छाल में लपेटकर कुछ दिनों के लिए मिट्टी में दबाकर रखा जाता है। बांस की बुनाई वैसी ही होती है जैसे कोई और बुनाई। पहले खपच्चियों को चित्र में दिखाए गए तरीके से आड़ा तिरछा रखा जाता है, फिर बाने को बारी बारी से ताने के ऊपर नीचे किया जाता है। इससे चेक का डिजाइन बनता है, चेक का मतलब चौकोर, चौरस, खाने वाला, पलंग की निवाड़ की बुनाई की तरह। ट्विल बुनना हो तो हर एक बाना 2 या 3 तानों के ऊपर से नीचे जाता है, इससे कई सारे डिजाइन बनाए जा सकते हैं। टोकरी के सिरे पर खपच्चियों को या तो चोटी की तरह गूंथ लिया जाता है या फिर कटे सिरों को नीचे की ओर मोड़कर टोकरी में ही फंसा दिया जाता है और हमारी टोकरी तैयार। चाहो तो बेचो या घर के काम में ले लो। एलेक्स एम जॉर्ज। पाठ पूरा एलेक्स एम जॉर्ज ने लिखा है, अनुवाद किया है शशि सबलोक ने। यहाँ पर सांस सांस में बांस पाठ समाप्त होता है। प्रस्तुत पाठ के अंदर विभिन्न प्रदेशों में बांसों का क्या उपयोग है, घरों के अंदर बांसों का क्या उपयोग है और हमारे देश में बांस से विभिन्न आवश्यक चीज़ें, वस्तुएं या शोपीस या बहुत सारी चीज़ें बनाने के लिए कलाकार को किन तरह के औजारों का, किस तरह की कुशलता का होना आवश्यक है, ये सारी चीज़ें इस पाठ के अंदर बताई गई हैं और बांस का महत्व बताया गया है, बांस का उपयोग बताया गया है। लेकिन बच्चों बहुत बड़ा उपयोग है पतंग के अंदर, पतंग बहुत बड़ा कारोबार है। पूरे भारतवर्ष में पतंग के अंदर लगाए जाने वाले बांस की मात्रा बहुत ज़्यादा है। बांस का उपयोग लाठी के रूप में भी होता है, हमारे घरों में जो लाठियाँ होती हैं वो बांस के पेड़ से ही बनी होती हैं। चलिए यहाँ पर पाठ समाप्त होता है। पाठ से संबंधित प्रश्नोत्तर, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, अभ्यास प्रश्न आपको PDF के माध्यम से अलग संदेश के रूप में प्राप्त होंगे। धन्यवाद।